नमस्कार दोस्तों, मैं देवमणि तिवारी चंदा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब लाइव चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं मंडी परिषद के लिए हिंदी विषय के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक कड़ी के साथ। दोस्तों, जैसा कि आपको विदित है और आप हमेशा जानते हो, मैं हमेशा इस विषय में परिचर्चा करता हूँ कि हिंदी वह महत्वपूर्ण विषय है जिसके माध्यम से आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में, यदि उस प्रतियोगी परीक्षा में हिंदी विषय का योजक है, हिंदी विषय योग है, तो निश्चित ही उस परीक्षा में हिंदी विषय आपके सिलेक्शन का एक महत्वपूर्ण बिंदु बन सकता है। क्योंकि हिंदी जहाँ तक दूसरी भाषाओं की अपेक्षा थोड़ा सरल है और कठिन भी है यदि हम उनको ना समझें तो। यदि हिंदी को हम समझते नहीं हैं, हिंदी के बारे में जानते नहीं हैं, तो वही हिंदी हमारे लिए कठिन हो जाती है। इसके लिए हम आते हैं आपके लिए सहज बना करके, सरल बना करके, नए तरीकों के साथ और नई एक व्यवस्था के साथ आपके लिए, सिर्फ और आपके लिए। तो दोस्तों, आइए प्रारंभ करते हैं अभ्यास प्रश्नों को। कुछ अभ्यास प्रश्न मैं लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। प्रथम अभ्यास प्रश्न प्रत्येक में यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ प्रश्न ब्लैकबोर्ड पर लिखे हुए हैं, आप इनकी फोटो भी खींच सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो मैं प्रारंभ करता हूँ प्रश्नों का अभ्यास के साथ, ठीक है? तो दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न है, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे दोस्तों, पसंद आए, आपको लगे कि आपके लिए प्रश्न महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आइए दोस्तों प्रारंभ करते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्ण हैं। दोस्तों, हमेशा मैं कहता हूँ कि हम उलझे ना, प्रायः हम उलझ जाते हैं। आपको लगा हो कि मैं उलझने वाला शब्द कैसा प्रयोग कर लिया। प्रायः दोस्तों हम प्रश्नों को पढ़ते नहीं, उसमें उलझ जाते हैं, तभी कभी कभी उत्तर हम सटीक नहीं दे पाते और गड़बड़ हो जाता है। जैसा हमेशा प्रश्न में, कोई भी प्रश्न है, उसमें कुछ एक ऐसा बिंदु होगा, उस बिंदु के सहारे ही आप उत्तर के सबसे नज़दीक पहुंचते हैं। आपको उस सहारे को पकड़ना पड़ता है, उस नाव को पकड़ना पड़ता है जो आपको इस नैया से पार, इस नदी से, परीक्षा रूपी नदी से आपको वो नैया पार कराए। तो दोस्तों, हम यहाँ पर ढूंढेंगे उस बिंदु को, प्रश्नों में उन बिंदुओं को ढूंढेंगे जिन बिंदुओं के सहारे हम उत्तर के सबसे अधिक नज़दीक पहुँच सकेंगे। एक तरीका, एक तकनीकी, इस तकनीकी और तरीके के माध्यम से दोस्तों आप कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को हल कर सकते हैं। उसको देखते हैं प्रश्नों में, देखिएगा बिंदु कह रहा है क्या, प्रश्न में बिंदु आ रहा है, कह रहा है कि हिंदी वर्णमाला में वर्ण है। किसमें पूछ रहा है? वर्णमाला में। आपसे ना तो स्वर पूछ रहा है, ना आपसे ना तो व्यंजन पूछ रहा है, संपूर्ण वर्णमाला पूछ रहा है। और दोस्तों, वर्णमाला की जो किताब है, हिंदी वर्णमाला के लिए एक विशेष विशेषण शब्द का प्रयोग होता है दोस्तों, क्या? बावनाक्षरी वर्णमाला। हिंदी की जो वर्णमाला है वो कैसी है? बावनाक्षरी है, बावन अक्षरों वाली है। अतः यहां पर विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। हमें देखना क्या है, अगर ये पूछता है कि हिंदी में वर्णों की संख्या, तो फिर स्वर और व्यंजन दोनों को हम जोड़ेंगे। यहां पर पूछ रहा है कि हिंदी में वर्णमाला में, हिंदी की वर्णमाला में वर्णों की संख्या कुल कितनी होगी। तो दोस्तों, यही आपको यहां पर ट्रिक पकड़ना है। वर्णमाला पूछ रहा है आपसे, वर्ण नहीं पूछ रहा आपसे। हिंदी में वर्णों की संख्या नहीं पूछ रहा आपसे, हिंदी की वर्णमाला में वर्णों की संख्या पूछना है, पूछ रहा है। बस आपको इसी ट्रिक को पकड़ना है। इस ट्रिक को पकड़ेंगे, इस महत्वपूर्ण बिंदु को पकड़ेंगे और आप उत्तर के सबसे अधिक नजदीकी तक पहुंचेंगे। ये चीज आपको दोस्तों ध्यान पे रखना है। तो आप देख लिए, हिंदी वर्णमाला को बावन अक्षरी वर्णमाला कहा जाता है, इसीलिए हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर हैं, कुल कितने वर्ण हैं? बावन वर्ण है, ठीक है दोस्तों। आइए दूसरे प्रश्न। सभी स्वर हैं, सभी स्वर हैं। अब स्वरों की जो विशेषता है, उन विशेषताओं को आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। यहां पर विशेषता कह रहा है सघोष है कि अल्प प्राण है, कि सघोष और अल्प प्राण दोनों है कि महाप्राण है। जैसा दोस्तों आप जानते हैं, महाप्राण का मतलब होता है जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक प्राण वायु का प्रयोग हो, और स्वर एक ऐसे वर्ण हैं दोस्तों जिनमें अधिक प्राण वायु का प्रयोग नहीं होता है किसी भी वर्ण के स्वर वर्ण के उच्चारण में। स्वर वर्ण क्या, एक स्वर परिवार का, स्वर वर्ण नहीं है लेकिन स्वर परिवार का एक ऐसा सदस्य है जिसके उच्चारण में हम प्राणवायु का प्रयोग करते हैं, लेकिन वो स्वर परिवार का सदस्य है, स्वर नहीं है। वो स्वर परिवार के रूप में रहता है, स्वर के घर पे रहता है,
पर वो स्वर नहीं है। और आप जानते हैं दोस्तों वह कौन सा स्वर है? वह स्वर है विसर्ग। अनुनासिक और विसर्ग ये दोनों ऐसे हैं जिनमें प्राणवायु का प्रयोग तो होता है पर ये स्वर नहीं होते हैं, इसलिए महाप्राण तो हैं पर महाप्राण जैसे इनकी गिनती नहीं की जाती है। इसलिए तो दूसरा बात आती है कि क्या ये सघोष हैं? तो दोस्तों हाँ, आपको पता होना चाहिए कि स्वरों का उच्चारण स्वतः होता है, हम स्वतंत्र रूप से स्वरों का उच्चारण कर सकते हैं, उनका नाद होता है, उनकी गूंज होती है, अतः इस कारण से ये घोष हैं। अब घोष वर्ण यहाँ नहीं दिया हुआ तो सघोष दिया, हम उसी को मान लेंगे, ठीक है दोस्तों। और पहली बात, दूसरी अल्पप्राण भी हैं, अतः यहाँ पर दोनों विकल्प आपका सही हो जाएगा, सघोष और अल्पप्राण दोनों विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों आपको ट्रिक पकड़नी है, वो बिंदु पकड़ना है, वो बिंदु पकड़ना है, वो ट्रिक पकड़नी, जिस ट्रिक और बिंदु के माध्यम से आप प्रश्न के उत्तर के सबसे अधिक नजदीक पहुंचेंगे, यही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि प्रश्न पत्र में के समय, परीक्षा के समय अगर आपने एक सेकंड भी बचा लिया किसी एक परीक्षा से, एक प्रश्न को हल करने में अगर एक सेकंड भी आपने बचा लिया, तो ये जान लीजिए वो एक सेकंड आपके लिए बहुत मूल्यवान है, उसका उसकी कोई कीमत नहीं, ये चीज ध्यान रखना है। तो हमें बचाना है समय, ट्रिक का इस्तेमाल करना है, तरीकों का इस्तेमाल करना है, बुद्धि क्षमता का इस्तेमाल करना है, ज्ञान का इस्तेमाल करना है, और तब हम प्रश्नों को हल करेंगे तो हमारा समय भी बचेगा और कम से कम समय में हम प्रश्नों को हल कर लेंगे। आइए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है यदि ई आ से मिले तो क्या होगा? दोस्तों ये प्रश्न आ चुका है और आप ई आ से मिलेंगे तो आप लोगों ने दोस्तों क्या किया होगा, बहुत सारे बच्चों ने जो विकल्प लेकर के ई और आ को अलग अलग जोड़ दिया, जबकि आपको ध्यान देना है दोस्तों मिले क्या क्या रहा है। देखिए मैंने कहा ना कि आपको प्रश्न में उस बिंदु को ढूंढना है जो बिंदु आपको उत्तर के सबसे अधिक नजदीक तक लग जाए, जहां यहां पर आपने क्या देखा, मिले, मिले शब्द आया हुआ है। क्या आया है? मिले, मिले मतलब मिलना, मिलना मतलब योग, और योग किसका हो रहा है? ई और आ का। ई और आ क्या है? वर्ण है। वर्ण का योग कहां होता है? संधि में होता है। वर्ण का योग कहां होता है? संधि में होता है। तो अब ई और आ की संधि होगी तो क्या बनेगा? दोस्तों आपको पता है ई और आ की जब संधि होगी तो यण संधि होगी, यण संधि होगी तो ई के स्थान पर या होगा, और या के बाद जो आया हुआ स्वर होगा उससे जुड़ जाएगा और बन जाएगा या। तो पहला विकल्प आपका, मैं बार बार कह रहा हूं, उस बिंदु को खोजो जो बिंदु आपके उत्तर के नजदीक के पास ले जाए, ये चीज आपको ध्यान रखना है। मिले, मिले मतलब मिलना, मिलना मतलब योग, योग मतलब संधि। किसकी संधि हो रही है? वर्णों की संधि हो रही है। यहाँ किसका मिलना हो रहा है? वर्णों का मिलना हो रहा है, अतः यहाँ पर वर्ण संधि हो रही है। ई और आ दोनों क्या है? स्वर है, तो स्वर संधि हो रही है, और ई के बाद आ जुड़ रहा है, असमान स्वर है, तो यहाँ पर यण संधि होगी और या के यण संधि होगी, ई के स्थान पर या हो जाएगा, उसके बाद दीर्घ आ जुड़ जाएगा और बन जाएगा या। ऐसा पकड़ना है आपको दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों समझिएगा ध्यान से, हम यहां पर केवल एक प्रश्न हल नहीं कर रहे हैं, हम एक साथ चार चार प्रश्न हल कर रहे हैं। दोस्तों आपको लगा होगा मैं ये कैसे कह रहा हूं, हाँ दोस्तों ये है ऐसा, क्योंकि जब आप एक प्रश्न हल करते हैं तो तीन प्रश्नों को आप तीन बिंदुओं को भी जानते हैं, वो तीन विकल्प क्यों नहीं है आपको ये भी ध्यान देना है। तो तीन विकल्प क्यों नहीं है, यानी तीन प्रश्न आपके वो तैयार हो गए और एक तैयार जो एक प्रश्न जो ये है उसका विकल्प तैयार हो गया, इस तरह से आपका बन जाता है दोस्तों यहां पर चार प्रश्न। अगला शब्द है कि विश्वामित्र का संधि विच्छेद, हमेशा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, विच्छेद और विग्रह ध्यान दीजिएगा। विग्रह किसका होता है? पदों का होता है। जब शब्द का विग्रह किया जाता है तो शब्द में आने वाले समस्त पदों को, उनके समस्त पदों को उनके कारकीय रूप में पुनः रख दिया जाता है, पुनः पूर्व अवस्था में रख दिया जाता है। और यहां पर क्या होता है, जब विच्छेद होता है तो वर्णों का विच्छेद होता है, तो शब्द में आया हुआ जो संधिक वर्ण है, जो संधि का वर्ण है, उसी वर्ण को हम अलग करते हैं, तोड़ते हैं। तो दोस्तों देख रहे हैं विश्वामित्र में केवल वाक पर आपको दिखाई दे रहा है आ, वहां पे क्या दिखाई दे रहा है आ। दोस्तों तुरंत आसान सी ट्रिक, संधि की इससे आसान सी ट्रिक आज तक आपने देखी नहीं होगी, सुनी भी नहीं होगी, एक सेकंड भी नहीं रहेगा, आप तुरंत देखेंगे दीर्घ आ, आपको पता है कि दीर्घ आ बनता है ह्रस्व आ या दीर्घ आ से, आ आ जुड़ेंगे दीर्घ आ बनेगा। तो जिस वर्ण में आ लगा हुआ हुआ है, जिस वर्ण में आ लगा हुआ है, दीर्घ आ लगा है, उस वर्ण में आपको ह्रस्व आ दीर्घा करना है, और बाद वाले वर्ण समूह के पहले ह्रस्व आ दीर्घा करना है, आपका संधि विच्छेद हो गया। देखा कितना आसान था, पल भर में आप विच्छेद कर सकते हैं। ऐसी ही ट्रिक
आपको दिख दोस्तों बताएंगे। आप देख रहे हैं हमने विश्वामित्र किया, वापे दीर्घ आ था, वापे दीर्घ आ था, वापे हमने ह्रस्व आ कर दिया, ह्रस्व आ कर दिया तो क्या बन गया, विश्व बन गया, और मित्र के पहले आ जोड़ दिया, ह्रस्व आ जोड़ दिया तो क्या बन गया, अमित्र बन गया, तो विश्व धन अमित्र। बस दोस्तों एक बात का ध्यान रखना है आपको, मैं बता दे रहा हूं आपको, ध्यान रखिएगा कि शब्द जब भी विच्छेद करिएगा तो दोनों सार्थक शब्द होने चाहिए, निरर्थक नहीं बनने चाहिए, उनका समाज में प्रयोग होना चाहिए। ऐसे शब्दों का प्रयोग दोस्तों आप करेंगे, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो विश्व धन अमित्र, विश्वामित्र का संधि विच्छेद बनेगा विश्व धन अमित्र। आइए दूसरा अगला शब्द है समास। समास शब्द का अर्थ क्या है दोस्तों, यहां पर चार चीजें दी हुई हैं, संक्षेप, टिप्पणी, सार और व्यास। हम चारों शब्दों के बारे में जानेंगे दोस्तों, हम चार प्रश्न हल करेंगे, चार शब्दों के अर्थ समझेंगे। यहां पर व्यास, व्यास का मतलब, व्यास, व्यास किसे कहते हैं, आपने कभी सुना कि व्यास जी कथा कह रहे हैं, व्यास जी क्या कह रहे हैं, कथा कह रहे हैं, अर्थात व्यास का मतलब क्या हुआ, कथा में क्या होता है, छोटी सी घटना को बड़ा करके दिखाया जाता है, जितनी छोटी छोटी घटनाएं हैं उन सारी घटनाओं को जोड़कर एक बड़ी सी घटना का किया जाता है, यानी व्याख्या की जाती है। व्यास जी क्या करते हैं, व्याख्या करते हैं, श्लोकों की व्याख्या करते हैं, बड़ा करके बताते हैं, एकदम व्याख्या करके बताते हैं, क्योंकि आप तो संस्कृत के श्लोकों को समझ नहीं पाते हैं, चौपाइयों को नहीं समझ पाते हैं, अर्थ नहीं समझ पाते हैं हम, तो व्यास जी क्या करते हैं, व्याख्या करते हैं, बड़ा करते हैं। सो समास में बड़ा नहीं होता, क्योंकि समास क्या होता, समसनम, इति समास, समसनम, समसनम किया गया है, छोटा किया गया है, संक्षेप किया गया है, किसमें, समास में। दूसरा है सार। सार का मतलब क्या होता है दोस्तों, सार का मतलब होता है जब बहुत बड़ी चीज का जो निष्कर्ष निकले, सार का मतलब क्या है, निष्कर्ष। टिप्पणी क्या है, टिप्पणी होती है जब कोई चीज घटना घटती है दोस्तों, तो उस पर जो हमारी राय होती है वही हमारी राय, हमारी सूचना ही क्या कहलाती है, टिप्पणी होती है। टिप्पणी का ज्यादा प्रयोग कार्यालय पत्राचारों में बहुत अधिक मात्रा में होता है, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद है संक्षेप। संक्षेप का मतलब है छोटा कर देना, तो अब समास का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों, छोटा यानी संक्षेप। देख रहे हैं दोस्तों कितना सहज सरल रूप से आप प्रश्नों को हल कर रहे हैं। यहां पर राधा गई, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है, राधा गई, राधा गई, अगर क्रिया का आ ई ऊ ऐसे रूप, गया, खाया, पिया, तो क्या होता है दोस्तों, वह भूतकाल का सामान्य रूप है। जैसे गया है, खाया है, तो आसन्न भूत, आसन्न का मतलब नजदीक, निकट वाला भूत, ताजा ताजा भूत, आपको लगा होगा ताजा भूत भासी भूत क्या है भाई, कौन सा ताजा भूत है और कौन सा बासी भूत है, तो यहां ताजा और बासी की बात नहीं की जा रही दोस्तों, यहां कहा जा रहा है सामा, आसन, आसन्य का मतलब निकट, मतलब मेरे वीडियो बनाने से पहले, आपसे वार्ता करने से पहले, अभी मैंने प्रश्न एक पढ़ दिया ना, तो प्रश्न एक क्या हो गया, प्रश्न एक जिस समय मैंने पढ़ा वो आसन्न भूत हो गया, अभी निकट का जो भूतकाल का जो बीता हुआ समय होता है, उस समय जो क्रिया घटनाएं घटती हैं वे दोस्तों आसन्न भूत कहलाते हैं। आइए तो यहां पर होगा सामान्य भूत, इसमें संक्षेप और इसमें सामान्य भूत। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त शब्द है। आइए दोस्तों होता क्या है, जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि किसी वाक्य का जो कर्ता होगा, कर्ता के अनुसार सदैव क्रिया होती है, आपको पता है, आपको पता है दोस्तों कि हमेशा शब्द के अनुसार ही विशेषण का प्रयोग होता है, आपको पता है, हाँ। तो अब आपको ये इसी बिंदु के आधार पर ही, आप इसी बिंदु के आधार पर ही स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का चयन करेंगे, यही ट्रिक है हमारी, आपको लगा हो ये कैसी ट्रिक है, विशेषण कैसे पता चलेगा। अब जैसे मान लीजिए कोई स्त्रीलिंग का शब्द है, मान लीजिए सीता, तो अब सीता के लिए क्रिया क्या प्रयोग, सीता और राम दो हैं, राम भी गाना गा रहा है, राम भी गाने की क्रिया कर रहा है, सीता भी गाने की क्रिया कर रही है, तो अब दोनों की क्रियाओं कैसे करेंगे, अगर सीता गा रही है तो हम क्या कहते हैं, सीता गाती है या सीता गा रही है, ठीक है, सीता गाने की क्रिया कर रही, राम गा रहा है, राम गाने की क्रिया कर रहा है, अर्थात सीता और राम दोनों एक क्रिया कर रहे हैं, एक समान क्रिया कर रहे हैं, पर उन दोनों के लिए हम अलग अलग क्रिया का रूप प्रयोग कर रहे हैं, सीता के लिए स्त्रीलिंग क्रिया का रूप प्रयोग कर रहे हैं, तो राम के लिए पुल्लिंग का क्रिया का प्रयोग, पुल्लिंग क्रिया का रूप का प्रयोग कर रहे हैं। तो इसी ट्रिक को दोस्तों आपको इस्तेमाल करना है वहां पर,
आप एक वाक्य बनाइए, अगर किसी भी शब्द के लिंग की पहचान करना है तुरंत उस वाक्य उस शब्द से संबंधित एक वाक्य बनाइए और देखिए उसकी क्रिया किस तरह की आ रही है। स्त्रीलिंग क्रिया बना रहे हैं, पुल्लिंग क्रिया समाज में प्रयुक्त होती है। अगर तब भी नहीं आपको क्रिया नहीं वाक्य बना पा रहे हैं तो उसके लिए कोई एक विशेषण शब्द खोज लीजिए, कोई उसके लिए एक विशेषण शब्द खोज लीजिए और आप तुरंत पहचान जाएंगे कि वह शब्द क्या है, आपकी स्त्रीलिंग की है या पुल्लिंग की। अब जैसे अच्छा राम, अच्छी सीता, देख रहे हैं ना, शब्द एक ही है लेकिन स्त्रीलिंग के विशेषण, उसी शब्द का स्त्रीलिंग विशेषण जब बना, स्त्रीलिंग के लिए विशेषण बना तो उसी का प्रयोग कुछ दूसरा होने लगा, और जब पुल्लिंग के लिए बना तो उसी का प्रयोग कुछ दूसरी तरह रूप होने लगा। तो आपको यही वही ट्रिक का इस्तेमाल यहां करना है। अब जैसे ऋतु है, ऋतु कैसी होती है, ऋतु अच्छी होती है कि अच्छा होता है, ऋतु अच्छी होती है। पंडित जी कैसे हैं, पंडित जी अच्छा है, पंडित अच्छे हैं, मतलब पंडित अच्छा, अच्छा शब्द उनके लिए प्रयोग होगा, या पंडित विद्वान है, विदुषी शब्द का प्रयोग नहीं होगा पंडित के लिए, ठीक है, या और पंडित का स्त्रीलिंग बनता ही पंडिताई। आचार्य, आचार्य कैसे हैं, आचार्य विद्वान है, आचार्य का स्त्रीलिंग बनता है आचार्य। हंस, हंस का क्या बनता है, हंसनी, हंस चुग रहा है, हंस मोती चुग रहा है, हंस मोती चुग रही नहीं बोलने, हंसनी बनता है उसका, हंसनी सी चाल उसकी, सुना होगा आप लोग उसने, ठीक है। तो देख लिया आपने, हमने अच्छी अच्छी ऋतु, विद्वान पंडित, विद्वान आचार्य, मोती चुग रहा है, आपने देखा इनके, हम लोग आ गए जब प्रयोग किया तो इनके लिए पुल्लिंग विशेषण और इसके लिए हंस के लिए पुल्लिंग क्रिया का प्रयोग हो रहा है और यहां पर ऋतु के लिए स्त्रीलिंग शब्द का विशेषण का प्रयोग हो रहा है। तो अतः इसलिए ऋतु क्या हो गई आपकी, स्त्रीलिंग हो गई। किसी भी शब्द में लगभग जितने भी शब्द आपको मिले दोस्तों, 99% सारे शब्दों में आप इस दो तरह के इस ट्रिक का इस्तेमाल करिएगा, निश्चित है कि आप उस शब्द का स्त्रीलिंग या पुल्लिंग पहचान जाएंगे। हाँ दोस्तों, लेकिन ध्यान रखना है, आपको शब्दों का ज्ञान होना चाहिए। आप भले ये ना जानते हो कि वह शब्द स्त्रीलिंग का पुल्लिंग का है, आप भले ये ना जानते हो कि वह शब्द सामासिक है या संधिक है, लेकिन आपको शब्द का ज्ञान होना चाहिए, शब्द के अर्थ का ज्ञान होना चाहिए कि शब्द किस तरह से प्रयुक्त हो रहा है, किस तरह से प्रयोग हो रहा है, आपको इसका ज्ञान होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आइए अगला पानी अगला प्रश्न देखते हैं। पानी पानी होना मुहावरे का सही अर्थ है, घबरा जाना, बहुत लज्जित होना, बहुत भीग जाना, बाढ़ आ जाना। दोस्तों मुहावरे का कोई सामान्य अर्थ नहीं होता, ये बात ध्यान रखिएगा, हमेशा मुहावरे विशेष अर्थ प्रदान करते हैं। अब घबरा जाना, पानी पानी होना, अब जरा सोचिए क्या हो सकता है, पानी पानी होना मतलब पसीने पसीने हो जाना, पसीने पसीने का भाव हो जाए, या तो घबरा जाएंगे या तो आप लज्जित हो जाएंगे। घबराने में पानी पानी नहीं होता दोस्तों, किसमें हो जाएगा, लज्जित होने में पानी पानी हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहां पर, बहुत लज्जित होना यानी पानी पानी हो जाना। हिंदी साहित्य का नौवां रस कौन सा है, तो जानते हैं दोस्तों, भक्ति, वात्सल्य, शांत और करुणा। करुण करुणा जो है यह रस, जो शोक नामक स्थाई भाव है उसका रस है, और शोक नामक स्थाई भाव को भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में 8 स्थाई भावों के अंतर्गत गिना है। जबकि जो भक्ति रस है, इसका जो ईश्वर भित्तिक भक्ति जो स्थाई भाव है, उसे ना तो भरत मुनि ने बताया है और ना तो परवर्ती आचार्यों ने जिन्होंने रस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, ना उन्होंने इसकी चर्चा की है। जिन्होंने भी चर्चा किसी की है वो बाद के उन्मुक्त आचार्य थे, उन्होंने उन्मुक्त आचार्यों ने उसकी चर्चा की है। तो हम ये जानते हैं कि यह 8 रसों के अंतर्गत आता है, अतः यह नहीं हुआ। भक्ति और वात्सल्य ये दोनों किसी तरह से भी ना तो भरत मुनि ने कहा, ना परवर्ती आचार्यों ने इनके बारे में कहा, पर आधुनिक आचार्यों ने इनका प्रयोग किया है। भक्ति और वात्सल्य ये दोनों दोस्तों रति के ही रूप हैं। मैंने पहले परिचर्चा कर, मेरा रस का वीडियो दोस्तों आपने देखा होगा, तो मैंने इसमें परिचर्चा की थी कि भक्ति और वात्सल्य रति के विषय हैं। रति का मतलब होता है प्रेम दोस्तों, रति का तात्पर्य क्या है, प्रेम। प्रेम हमारे समाज में 3 तरह से पाया जाता है, एक नायक और नायिका के मध्य में प्रेम होता है, एक पिता पुत्र माता पुत्र पुत्री के मध्य में प्रेम होता है, अग्रज अनुजों के मध्य में प्रेम होता है, और एक ईश्वर और भक्ति के बीच में प्रेम होता है। जो ईश्वर और भक्ति के बीच में प्रेम होता है वो भक्ति रस कहलाता है,
जो पिता पुत्र माता पुत्र पुत्री पिता पुत्र पुत्री और अग्रज अनुजों के मध्य में प्रेम होता है वो वात्सल्य कहलाता है। तो आप दोस्तों देख रहे हैं ना, तीन आपके नहीं है तो नौवां कौन सा हो जाएगा आपका दोस्तों? शांत रस हो जाएगा। तो नौवां हो गया शांत रस। ठीक है दोस्तों, अगला है निसंदेह में कौन सी संधि। दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया होगा, आपने ध्यान दिया होगा, टिक टिक का हम इस्तेमाल करेंगे। यहां पर आपने ध्यान दिया होगा कि यहां पर दो सा है, दो सा। अब दो सा है यानी एक विसर्ग के स्थान पर सा हुआ होगा, एक पहले से सा रहा होगा, आपको पर चर्चा मैंने किया था। तो अब विसर्ग के स्थान पर सा हुआ रहा होगा तो इसकी कौन सी संधि हो गई दोस्तों? यहाँ पर विसर्ग संधि होगी। स्वर संधि नहीं हो सकती है क्योंकि स्वर संधि में आधे स्वर आधे वर्णों का प्रयोग होता नहीं है, व्यंजन संधि का यहाँ पर प्रयोग है नहीं, तो इसलिए यहाँ पर विसर्ग संधि का रूप बन जाएगा। जिसे जीता ना जा सके, आपने देखा ना, नय तत्पुरुष समास, ना का मतलब नय तत्पुरुष समास। ना का अर्थ देने वाले वर्ण कौन कौन से हैं? आ और अन। आ और अन अगर किसी शब्द के पहले लगे हुए हैं तो उनमें नय तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो यहां पर जे, जे मतलब जीतना और उसमें आ पहले लग गया तो क्या बन गया? अजे। इस तरह से ट्रिक से आपको दोस्तों पकड़ना है। दोपहर का समय क्या होता है? सुबह, दोपहर, शाम। दोपहर कहां आया? बीच में आया। बीच का मतलब मध्य, तो मध्य का मतलब क्या हो जाएगा? मध्यान्ह हो जाएगा। दोपहर का समय क्या कहलाएगा? मध्यान्ह कहलाएगा। महाश्वेता किसकी पर्यायवाची है? श्वेत वस्त्र धारण करने वाली कौन है? कौन है श्वेत वस्त्र कौन धारण करता है दोस्तों? सरस्वती। श्वेत वस्त्र धारण कौन करता है? सरस्वती। तो महाश्वेता किसकी पर्यायवाची हो जाएगी? सरस्वती की। धनहीन में कौन सा समास है? मैं धनहीन से मिला, मैं धनहीन से मिला। मैं किससे मिला? धन से मिला कि हीन से मिला? मैं हीन से मिला, उस व्यक्ति से मिला जिस व्यक्ति के लिए हीन शब्द का प्रयोग किया गया। तो जब मैं धनहीन से मिला तो हीन शब्द किधर आया है? उत्तर पद में आया है और उत्तर पद का अर्थ प्रधान हो रहा है। यहां पे कौन समास हो जाएगा? तत्पुरुष हो जाएगा। कौन सा हो गया? तत्पुरुष समास। ऐसे पकड़ना दोस्तों। कहता है बिनु पग चले सुने बिनु काना। अगर बिना पैर के भी चल रहा है यानी बिना कारण के भी कार्य हो रहा है, सुने बिनु काना बिना कान के भी सुन रहा है, अतः बिना कारण के कार्य हो रहा है। जहां बिना कारण के कार्य होता है दोस्तों वहां पर विभावना अलंकार होता है। बस आपको ट्रिक पकड़नी है, वो ट्रिक पकड़नी है। निम्नलिखित में कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, संयुक्त व्यंजन नहीं है। छा आपका क और शा से मिलता है, संयुक्त व्यंजन है। त्रा आपका त और रा से मिलकर के बनता है, संयुक्त व्यंजन है। गा का निर्माण ज और यहां से होता है, संयुक्त व्यंजन है। अर्थात आपका बी संयुक्त व्यंजन नहीं। निम्नलिखित में उपसर्ग रहित शब्द कौन है? आइए देख लीजिए दोस्तों, मैंने आपको पहले भी चर्चा की थी कि उपसर्गों की पहचान आप कैसे करेंगे। आइए जरा देख लीजिए, आपको पता है कि उपसर्ग क्या होते हैं? वर्ण शब्द के सबसे पहला वर्ण किसी भी शब्द में आया हुआ पहला या दूसरा वर्ण समूह मिलाकर के क्या हो जाते हैं? उपसर्ग हो जाते हैं। आइए जरा देख लें हम लोग संगम में कौन सा उपसर्ग है। ठीक है, संगम में देख रहे हैं संग और गम। गम मतलब जाना। ठीक है, अब ये बाद वाला जो वर्ण समूह हो वो सही अर्थ देने वाला हो, सार्थक अर्थ देने वाला हो, यह ध्यान रखना। पहला वर्ण समूह, अगर पहला वर्ण निकालने के बाद जो वर्ण समूह बचता है वो सार्थक बन जाए, अगर वो सार्थक नहीं बन रहा तो दूसरा वर्ण निकाल लिया तो सार्थक बन जाए। तो आप जैसे एक वर्ण निकाल लिया गम, गम मतलब जाना, सार्थक शब्द है, अतः यहाँ पर सम क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। विमोचन क्या दिया हुआ है? विमोचन। विमोचन में हम पहला वर्ण निकाल लिया, बी हटा दिया, क्या बन गया? मोचन। मोचन शब्द होता है मुक्त करने अर्थ में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर बी उपसर्ग हो गया। प्रत्यर्पण दिया हुआ है, आप आइए देख लीजिए, अब प्रत्यर्पण देखिए। ठीक है, जैसे ही आपने प्रत्यर्पण देखा तो पहले आपने प्रा निकाल दिया, त्यर्पण आ गया, त्यर्पण कोई शब्द होता नहीं है। फिर आपने त निकाल दिया तो प्र त आ गया, अब यर्पण हो गया, यर्पण कोई शब्द होता नहीं। फिर आपने प्रत्यय निकाल दिया तो क्या हो गया? अर्पण बचा, अर्पण शब्द होता है, आपको पता है। प्रत्यय में आप जानते हैं कि ई के स्थान पर या होता है, तो अब ई के स्थान पर हम क्या कर देंगे? या के स्थान पर क्या कर देंगे? ई कर देंगे। तो इस तरह से क्या हो गया? प्रतिधन अर्पण। तो आप देख सकते हैं हमारा ये भी क्या है? उपसर्ग है। अतः जो उपसर्ग रहित शब्द है वह क्या है? क्रोध।
तो दोस्तों आपने देखा ये आप सबके लिए कितने महत्वपूर्ण प्रश्न थे, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न। हम लोगों ने केवल प्रश्नों की ही नहीं चर्चा की, हम उन बिंदुओं से के विषय में जो व्याख्या किया, इस व्याख्या के माध्यम से आप इस बिंदु के अंतर्गत आने वाले किसी भी प्रश्न को आप हल कर सकते हैं। दोस्तों अगले जो वीडियो आएगा मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उसमें और आपके लिए बहुत ही बेहतर बेहतर प्रश्न लेकर के आए, और इसी तरह से व्याख्या के साथ में प्रश्न रहेंगे, जिससे कि अगर वो अगर हम संधि के कोई प्रश्न लेकर के आ रहे हैं, हम स्वर संधि का कोई प्रश्न लेकर के आ रहे हैं, तो केवल हम उसी प्रश्न को ना हल करें, उससे जुड़ी संबंधित और भी बातें कर लें, जिससे कि उससे संबंधित अगर कोई भी प्रश्न आए तो हम उसे हल कर सकें। तो दोस्तों ये था आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलते हैं कुछ अलग और प्रश्नों के साथ अगले वीडियो में। नमस्कार। हेलो गाइस, वेलकम टू चंद्रा इंस्टीट्यूट टीचर्स चॉइस चैनल। क्योंकि टीचर भी इस चैनल को देखते हैं तो आप चैनल पे आ गए हैं, तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा।